तो देखो गुड लुक, फाइनली बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से सिटाडेल हन्नी बन्नी का ट्रेलर आउट हो गया है, जिसमें तुमको समंता रुद्र प्रभु और वरुण धवन तुमको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सीरीज के बारे में। राजन डीके कुछ ऐसे जाने माने डायरेक्टर जिन्होंने अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी की वजह से इन्होंने अपना नाम इतना बना लिया है, जिसमें भी इनका नाम जुड़ जाता है वो चीज सुपरहिट हो जाती है। इन्होंने अपनी लाइफ में भाई इतनी बढ़िया से बढ़िया सीरीज दी है, द फैमिली मैन सीजन 1, सीजन 2, गन्स एंड गुलाब्स, फर्जी, यह ऐसी सीरीज हैं जिनको इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और तुम लोगों के लिए पता होगा कि यह सीरीज भाई टॉप नोच रही अभी तक, और शायद तुम लोग इस सीरीज के अगले पार्ट का भी इंतजार करते भी होंगे। नो गॉड प्लीज नो नो नो। बताया जाता है कि फैमिली मैन सीजन 3 का अगला पार्ट आने वाला है जल्दी। फर्जी भी ऑन बोर्ड है। बात करते हैं इस सीरीज के बारे में, सिटाडेल द हन्नी और बन्नी का। तुम लोगों के लिए बता दूं कि सिटाडेल जो कि अलग ही एक स्पाई यूनिवर्स माना जाता है, और इसी नाम पर काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं। जस्ट लाइक 2023 में रिलीज हुई थी सिटाडेल, जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी, और इंडियन वर्जन है सिटाडेल हन्नी और बन्नी, भाई बिल्कुल नई स्टोरी के साथ। चलिए बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। जैसा कि ट्रेलर आया है उसके हिसाब से ऐसा पता चलता है कि हन्नी जो कि एक माँ है और सीधी सादी लड़की है जो कि अपनी जिंदगी का लुफ्त उठा रही थी। ट्विस्ट तो तब आता है कि उसको पता चलता है कि एक ऐसी एजेंसियां हैं जो उसके लिए जॉब ऑफर कर रही हैं उसकी स्किल्स की वजह से, क्योंकि वो हर मामले में टॉप नॉच थी। दूसरी साइड में है बन्नी जो कि स्टंटमैन है, इधर उधर स्टंट करा करता था, उसको भी जॉब ऑफर्स मिला करते हैं एजेंसियों के द्वारा। फिर क्या, दोनों ही लोग एजेंसी में ज्वाइन हो जाते हैं। ट्विस्ट तो तब आता है कि वो दोनों लोग अलग अलग मिशंस करते हैं और अलग अलग अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और अलग अलग देशों में जाकर उस मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। आगे क्या होगा वो तुमको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। जब से मेकर्स ने इस सीरीज की अनाउंसमेंट करी है तब से मैं इस सीरीज का इंतजार कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इस मूवी के डायरेक्टर की वजह से। ट्रेलर लगभग 3 मिनट का है, जिसमें हमको शुरुआत में कुछ एंटिक दिखाया है। जस्ट लाइक शुरुआत में इन्होंने एक्शन दिखा दिया, स्टोरी के बारे में कुछ कुछ हिंट दिए, फिर लास्ट में इन्होंने पूरी तरीके से एक्शन दिखा दिया। इस मूवी का ट्रेलर भाई बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन किया है, जहां पे ऑडियंस को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जितना भी समझ आएगा उतना इनफ है इस सीरीज को देखने के लिए। इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझको लगता है के मेनन, भाई क्या बंदा है, जिस भी रोल में डालो भाई उस रोल में फिट बैठ जाता है, जो कि बन्नी के पिता का रोल करते हुए नजर आएंगे। ऐसा तो कंफर्म नहीं है, शायद विलन भी हो सकता है, बट गुरुलोक विलन के बारे में कुछ मेकर्स ने रिवील नहीं किया। क्या के मेनन विलन हो सकते हैं? मुझको तो नहीं लग रहा है ट्रेलर के हिसाब से, बट कहानी में कब ट्विस्ट आ जाए और कब क्या से क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तक राज और डीके ने भाई विंटेज वाली वाइब डाली है। ट्रेलर के लगभग 1.5 मिनट कंप्लीट होने के बाद भाई वो पुराना गाना चलता है जो अलग ही वाइब दे रहा था यार। आई होप जब ये सीरीज रिलीज हो तो सारे एपिसोड एक ही साथ रिलीज कर दे, वो यार कचरा ना करे एक हफ्ते के बाद रिलीज करना, वो मुझको सबसे बुरा लगता है। ऑल ओवर गुड लुक ट्रेलर मुझको शानदार लगा, मैं तो भाई इस सीरीज को जरूर देखूंगा। तुम देखोगे मुझको कमेंट्स में जरूर बताना, और इसी टाइप के रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। बाय बाय।